दोस्तों सारेगामापा लिटिल चैंप्स सीजन 2022 की इस धमाकेदार एपिसोड की शुरुआत होती है मेहमान जय प्रदा जी की धमाकेदार एंट्री से, जब सभी लिटिल चैंप्स की माताएं 50 दियों से भरी थाल लेकर जय प्रदा का स्वागत करने मंच पर आती हैं। जी हां, और दोस्तों इसी बीच लिटिल चैंप अतनु मिश्रा और आरोही सोनी की जोड़ी गोरी है कलैया और उई अम्मा गानों के जरिए सभी के होश उड़ा देती है। वहीं दोस्तों शो की इस प्यारी सी जोड़ी के लिए 100% का जूरी स्कोर और दोस्तों चार्ट बस्टर का टेग मिलता है। जी हां दोस्तों, एपिसोड की नेक्स्ट परफॉर्मेंस रहती है लिटिल चैंप देविका शर्मा के नाम, जो मुझे नौलखा मंगा दे रे गाने से सबको इम्प्रेस करती हैं। वहीं दोस्तों देविका को इस परफॉर्मेंस के लिए 97% का जूरी स्कोर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड की अगली परफॉर्मेंस में पलाक्षी दीक्षित और दोस्तों अथर्व बख्शी की जोड़ी डफली वाले डफली बजा गाना गाकर शो में माहौल बना देती हैं और दोस्तों इस जोड़ी को 99% का जूरी स्कोर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद मंच पर एंट्री होती है लिटिल चैंप हर्ष सिकंदर की, जो दे दे प्यार दे गाना गाकर शो में रंग जमा देता है, जिसके लिए उन्हें चार्ट बस्टर का टैग और दोस्तों 100% का जूरी स्कोर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड की नेक्स्ट परफॉर्मेंस में ज्ञानेश्वरी भैया ने धारो जैसा क्लासिकल सॉन्ग गाकर सबके होश उड़ा देती है और दोस्तों जिसके लिए उन्हें 100% का जूरी स्कोर और चार्ट बस्टर का टैग मिलता है। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड की लास्ट परफॉर्मेंस रहती है परज्योत गुंडाले और रफा यास्मीन के नाम, जो प्यार हमारा अमर रहेगा के गाने से दिल जीत लेते हैं और दोस्तों जिनके लिए उन्हें 98% का जूरी स्कोर मिलता है। जी हाँ, हालांकि दोस्तों इस एपिसोड के एंड में डबल इविक्शन भी देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू पब्लिक वोटिंग रिजल्ट्स और जजेस स्कोर्स, जिसके मुताबिक लिटिल चैंप परज्योत गुंडाले और दोस्तों पलाक्षी दीक्षित को शो से एलिमिनेट कर दिया जाता है। वैसे दोस्तों शो का ये यादगार एपिसोड आपको कैसा लगा? एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब नाउ।